नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि राज, किस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आप लोग का जो 40,000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती यहां पर निकल के आ चुकी है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले जो वीडियो बनाकर जानकारी दे दिया है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो किस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप सिर्फ जो है मैट्रिक पास है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। और इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आप लोग का जो बहाली है वो अभी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग को यहाँ पे जो प्रक्रिया बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने गूगल में टाइप करना है YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। उसके बाद यहाँ पे आप इंडिया पोस्ट लिखकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप नीचे आइएगा, लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जॉब में आप लोग को देखने को मिल जाएगा इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2023। तो यहाँ पे आपको जो क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे मैंने जो पूरा जानकारी दे रखा है, आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक देखने को मिल जाएगा। क्लिक करके आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने पर दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट मोबाइल नंबर पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर आपको वेरीफाई करना है। फिर ईमेल आईडी में भी आप लोग को सेम करना है, वैलिडेट ईमेल पे क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप लोग को वेरीफाई करना है। फिर अपना यहाँ पे जो 10th सर्टिफिकेट पे आप लोग का नाम रहेगा वो नाम आप लोग को पूरा यहाँ पे लिखना है। फिर आप लोग का फादर्स नेम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ आप लोग को डालना है, फिर जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी रहेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो है कम्युनिटी यहाँ पे करना है कि आप किस कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि अनरिजर्वेड है या फिर अनरिजर्वेड यानी कि जनरल वाले हैं, जनरल वाले ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी एससीएसटी जो भी आप रहेंगे वो आप लोग वहां पे जो है सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे जो है सर्कल आप लोग को पूछा जाएगा कि आप जो कहां से पास किए हैं 10th, तो वो आप लोग को बताना है। मैंने जो यहां पे बिहार से किया है तो मैं बिहार यहां पे सेलेक्ट कर देता हूं। फिर आप लोग का ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल यानी 10th आपने जो है कब पास किया है वो आप लोग वहां पे बताना है। तो जब भी आपने यहां पे 10th पास किया है वो आप लोग वहां पे बता देना है। फिर आप लोग वहां पे जो कैप्चा दिख रहा है, ये जो आप लोग का कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आप लोग को यहाँ पे डालना है, सबमिट पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं जो सारा प्रोसेस कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे ऊपर सारा कुछ डाल लेते हैं, उसके बाद जैसे आप वहाँ पे सबमिट करते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे कुछ और डिटेल आप लोग को डालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना आधार नंबर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग को पूछा जाएगा कि क्या आप जो विकलांग है, अगर विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप लोग विकलांग रहेंगे तो यहाँ पे डिटेल मांगा जाएगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पर नीचे आप लोग को पूछा जाएगा कि आपने जो कौन सा जो है लैंग्वेज पढ़ा हुआ है यहाँ पे अपने 10th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे मेरा जो हिंदी था और इंग्लिश था, यहाँ पे मैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पूछा जाएगा दोस्तों कि वेदर एम्प्लॉयड यानी अगर आपने कभी काम किया है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, आपने काम कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग यस कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का एनओसी मांगा जाएगा, यानी कि अभी अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसका एनओसी आप लोग को देना होगा कि उससे जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आप लोग वहां पे लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर आप लोग को यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर जो होगा वो आप लोग को अपलोड करके सबमिट पे क्लिक करना है। फोटो जो आप लोग का रहेगा वो 50 KB से कम में रहना चाहिए और यहाँ पे जो आप लोग का सिग्नेचर रहेगा वो 20 KB से कम में होना चाहिए। तो मैं जो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप वहाँ पे जो सारी डिटेल डाल लेते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग का शो करेगा, यहाँ पे आपको टिक करना है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोग को कॉपी करके रख लेना है, फिर आप लोग को कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर्किल अप्लाइड पर यानी कि आप कहां के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग वहां पे सेलेक्ट करना है, फिर आप लोग को सबमिट पे क्लिक करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। यहाँ पे आप लोग का ओटीपी जाएगा आप लोग के मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी जो है आप लोग को यहाँ पे डालना होगा। तो मेरा जो यहाँ पे ओटीपी है वो आ चुका है, मैं जो यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ उस पर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आप लोग का जो ये कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आप लोग को डालना है, जिस तरीके से आप लोग का लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से आप लोग वहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। यहाँ पे ऊपर में आप लोगों का कुछ डिटेल शो कर देगा, नीचे आइएगा यहाँ पे आप लोग का एड्रेस डिटेल डालना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि अभी हाल फिलहाल में आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वो आप एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो आप लोग का रहेगा वो आप डाल सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, दोनों सेम आप लोग का ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आप लोग का क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ
यहाँ पे जो है आप लोगों को बोर्ड सेलेक्ट करना होगा कि आपने जो है कौन से बोर्ड से यहाँ पे पास किया है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो यहाँ पे बिहार बोर्ड था, 500 नंबर का मेरा जो यहाँ पे एग्जाम था, तो यहाँ पे देख लीजिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है सेलेक्ट कर देना है। तो अगर आप लोगों का सीजीपीए वाला रहेगा तो सीजीपीए यहाँ पे शो कर देगा, मेरा मार्क्स था तो मार्क्स यहाँ पे शो कर रहा है, मार्क्स मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब नीचे आइएगा, यहाँ पे आप लोगों को जो डिटेल डालना होगा अपने मार्क्स का, यानी कि अपना जो यहाँ पे टेंथ में जो भी नंबर आया हो उसको आप लोग को यहाँ पे डालना है। सबसे पहले इंग्लिश में जो आप लोग को बताना है कि आप लोग का कितना जो यहाँ पे नंबर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हिंदी में आप लोगों को बताना है कि कितना नंबर आया हुआ था 100 में से। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक आप लोग का हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। फिर आप लोग का एक और सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे संस्कृत रहता है, तो संस्कृत में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, फिर संस्कृत में 100 में से कितना नंबर आया है वो आप लोग को बताना है। टोटल यहाँ पे नंबर आप लोग को बताना है, 100 ऑटोमेटिकली आप लोग का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो यहाँ पे सारा कुछ फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे जो सारा डिटेल डालकर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग का आ जाएगा। नीचे आप लोग वहाँ पे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे चूज योर रेफरेंस का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को डिवीजन बताना है कि आप जो किस डिवीजन में यहाँ पे जो अपना जॉब चुनना चाहते हैं वो आप लोग वहाँ पे बताना है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मुंगेर डिवीजन सेलेक्ट करता हूँ। उस बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, नीचे यहाँ पे जो बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख पाऊंगा कि आप लोग का डिवीजन बताया जा रहा है, कि कहाँ आप लोग का ऑफिस है वो आप लोग का बताया जा रहा है, कौन सा पोस्ट है वो आप लोग वहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि इसको जो है एक नंबर में रखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नंबर इसको रखना चाहता हूँ, दो नंबर जो है मैं इसको रखना चाहता हूँ, तीन नंबर में जो है इसको रखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे जो सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोग वहाँ पे रखना है आप आगे बढ़ा बढ़ा कर देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो जिसको भी आप लोग वहाँ पे रखना है उसको आप उतना नंबर दे दीजिएगा कि किस नंबर पे आप किसको रखना चाहते हैं। नीचे आप लोग देख पाओगे यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट जस्ट सर्किल ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ सिलेक्शन, यानी अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो किस सर्कल में आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होने वाला है वो भी आप यहाँ पे सर्कल जो रहेगा ऊपर वही आ जाएगा। उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना और सेव इन प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो आप लोग का जो एप्लीकेशन होगा उसका प्रिंट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उस प्रिंट को आप लोग वहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको करना क्या, फिर से जो है वापस आप लोग को इसी वेबसाइट पे यहाँ पे आना होगा, यानी कि वापस से जो है आप लोग को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन है, चेक फी पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। मैं जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख पाओगे ओटीपी गया है, ओटीपी आप लोग वहाँ पे डालना है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को जो है फी पेमेंट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं उसके बाद आप लोग का फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है फी पेमेंट कर दीजिएगा और आप लोग का जो है सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे जो है फी पेमेंट करने से पहले ही आप लोग का प्रिंट निकल जाएगा, इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोग का सारा प्रोसेस होने वाला है, मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, तक के लिए धन्यवाद।